Assalamu alaikum. I welcome you all on behalf of Study River. I am your instructor for physics for the session that we are going to launch from 1st July onwards. And in this video, we are going to discuss the analysis on the past papers of CSS from 2016 to 2020. तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि फिज़िक्स को CSS एस्पायरेंट्स के लिए आसान किया जाए और इसके लिए बहुत डिटेल में पास्ट पेपर को डिसेक्ट किया गया है, जिससे कि आपको आसानी होगी इसकी तैयारी करने में। और इसमें थोड़ा सा अपनी अप्रोच के बारे में भी मैं बताऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू कैरी दिस सेशन towards the final destination for your exams. ठीक है, तो in this regard physics 1 का थोड़ा सा analysis है statistics की बेस पे 2016 से 2020 तक। तो अगर इसमें हम देखें कि जो physics का syllabus है उसको 5 से 6 हिस्सों में divide किया गया है। There are vectors, फिर Newtonian mechanics, इसके अलावा relativistic mechanics, fluid mechanics और thermodynamics, and then there is वेव्स एंड लाइट्स। ठीक है, तो इसमें ईयरली कंपैरिजन दिया गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और किस सेक्शन को एग्जामिनर ज़्यादा हिट कर रहा है। तो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्लाइड कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स मोस्ट फेवरेट एरिया है एग्जामिनर का, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। इसी तरह वेव्स एंड लाइट्स पे अगर देखा जाए तो उस एरिया से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 मरतबा 5 सालों में 2-2 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर इसके सिलेबस को और पास्ट पेपर्स को मिला के डिसेक्ट किया जाए तो ये पता चलेगा कि अगर 4 से 5 पोर्शन, कोई भी 4 से 5 पोर्शन अच्छे से कवर किए जाते हैं, चॉइस पे कवर किए जाते हैं, तो यू कैन ईजीली गेट राउंड अबाउट 70+ मार्क्स। ठीक है, तो इसी तरह से फिज़िक्स 2 का भी थोड़ा सा एनालिसिस मौजूद है। तो फिज़िक्स 2 में अगर हम देखें तो उसी तरह से कोर्स डिवाइड किया गया है 5 मेजर पोर्शंस में। उसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैग्नेटिज्म लीस्ट फेवरेट पार्ट रहा है, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ से क्वेश्चन मिस भी हुआ है, एक दफ़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही नहीं गया। और इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक फिजिक्स आर द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ से ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी और एटॉमिक फिजिक्स ही तैयार कर ली जाए तो 4 क्वेश्चन चॉइस पे हो जाते हैं, और अगर बहुत टफ पेपर होता है और हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अगर इसके साथ न्यूक्लियर फिजिक्स को तैयार कर लें और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला लें या मैग्नेटिज्म को मिला लें, कोई एक सेक्शन आप पूरा ओमिट भी कर दें, तो देन यू आर इजीली एबल टू स्कोर अगेन 70+ मार्क्स इन द CSS एग्जाम। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव डिजाइंड आवर कोर्स बेस्ड ऑन द सिलेबस गिवन बाय द FPSC। और इसी तरह से पास्ट पेपर्स का इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है। और इस सिलसिले में वी आर लॉन्चिंग आवर सेशन फॉर फिजिक्स फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। इसकी क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में होगी, और इसमें जो हमारा पाथ होगा उसमें हम मेजर पोर्शंस कवर करेंगे, तमाम सिलेबस को टच किया जाएगा। एंड जो डिस्टिंग्विश करता है इस कोर्स को बाकी कोर्सेज से, दैट इज़ आवर असेसमेंट स्कीम, जिसमें कि आपके वीकली 1 से 2 टेस्ट लिए जाएंगे। जैसे ही एक सेक्शन कवर होगा उसके आपसे रिगरस टेस्ट लिए जाएंगे, और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव किस्म का फीडबैक दिया जाएगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, तो इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन द फिज़िक्स कोर्स दैट स्टडी रिवर इज़ लॉन्चिंग फ्रॉम 1 जुलाई। और इसके लिए इस पे डिस्कशन के लिए और फी डिटेल्स के लिए देयर इज़ कॉन्टेक्ट नंबर गिवन, और इसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी शेयर किया गया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि फिज़िक्स पे वॉलेंटरी कोई डिस्कशन भी की जा सकती है जब तक ये कोर्स लॉन्च नहीं होता। ठीक है, तो we will try to make this in ease and accordance with your demand. So best of luck, or keep working hard, and that's it from my side.